Bharatiya Janata Party's Delhi Unit Chief Manoj Tiwari's house was allegedly ransacked by a group of unidentified miscreants on Sunday night. Tiwari was out of the house when a group of around 7 to 8 people entered the house, shouted abusive words and attacked the people present inside. These miscreants were accompanied by police personnel who are believed to be fake. बहुत बड़ा थ्रेट है और जो लोग आए थे वो नाम लेकर के गालियां भी बक रहे थे और क्या लगता है कोई साजिश है इसमें किसी की आपको लगता है हां वो तो हथियार हथियार भी लिए हुए हैं सब ये बिल्कुल जानलेवा हमला है हमारे दो दो बच्चे बहुत घायल हैं जो हमारा पाठक कुक है और दूसरा अभिनव लड़का जो हमारा पीएस है एक सब पीएस है चार पांच लोगों में एक वो भी है तो नियत तो उनकी बहुत ही खतरनाक दिख रही है और जिस प्रकार से वो लगभग ये सब कुछ चला है लगभग 25-30 मिनट चला है इसमें बड़ी साजिश दिखती है और इसमें पुलिस की भी मिलीभगत दिख रही है क्योंकि जिस प्रकार से एक पुलिस वाले ने पूरा घर घुमा करके दिखाया है उन बदमाशों को पहले वो बदमाश अटैक करते हैं घर में घुस करके मारते हैं फिर एक पुलिस वाला उन समूह को लेकर ही पूरा घर पूरा दिखाया है तो मुझे या तो वो पुलिस वाला फेक होगा या तो वो मिला हुआ है The incident was captured in CCTV footage which is being probed by the police. The attack comes just a few days after the BJP registered a massive victory in the Municipal Corporation of Delhi polls.